केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने सोमवार को जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें यह नकारात्मक रूप से 23.9% रही है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण है कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है। दुनिया में एक समय सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था रहे भारत के इस नए जीडीपी आंकड़े से जुड़ी खबरों और लेख को दुनिया भर के तमाम अखबारों और मीडिया हाउसेस ने अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनए ने अपने शीर्षक में लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमी के कारण अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। वहीं जापान के बिजनेस अखबार निकेई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है, नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था में अयोग्य साबित हो रहे हैं और इन सब के मद्देनजर 2025 तक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है।